वो देख रहे हो गाइस, दिखा अब आपको। जय माता गंगई गाइस, एक तो टेस्ट करके देखता हूँ कैसा रहता है। खालू ये देखो गाइस, खिचड़ी। गाइस हम पहुंच चुके हैं धमदा, ये यहाँ का बस स्टैंड है, देख लीजिए। एक बार बस स्टैंड भी घुमा दिया जाए, बस तो खड़ी ही नहीं है। हाँ यार, यहाँ से बहुत जगह जाते हैं ना, इसीलिए कुछ ऐसा है यहाँ का बस स्टैंड। और मार्केट भी बहुत बढ़िया है धमदा का, गोल गोल घुमा रहे। ऐसे ही सेम बस स्टैंड दुर्ग में भी है ना, हल्का। हाँ दुर्ग में थोड़ा बड़ा है, ऐसी मस्त दिखता है वो भी। मार्केट भी बहुत बढ़िया है धमदा का। धमदा गांव है फिर भी थोड़ा बड़ा गांव है, बाकी गांव से तो बड़ा ही है। मार्केट भी बहुत बढ़िया, खाने के लिए भी आपको एक से एक आइटम मिल जाएंगे। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी, तो हम तो खाना खा के निकले हैं, इसलिए हम तो कुछ खाने वाले नहीं हैं। बाकी अगर रास्ते में कहीं भूख लगेगा तब देख लिया जाएगा, नाश्ता पानी कर लेंगे। ये बता, गंडई रोड से जाएंगे कि बेमेतरा रोड से जाएंगे? कहाँ से रास्ता पड़ता है, कटा हुआ है। ये देखो गाइस, यहाँ से दो रोड कटा है, कौन सा रोड अच्छा है? अब ये बेमेतरा रोड से जाएगा। एक्सीडेंट, बाप रे, जबरदस्त एक्सीडेंट। पूरा ट्रक देखो, पूरा घुस गया है आके अंदर, बढ़िया लगता। ये मुझे कपड़ा निकाल लेगा। यहाँ से कबीर धाम भोरमदेव 93 किलोमीटर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 173 किलोमीटर, गंडाई 34 किलोमीटर, सिलहाटी 48 किलोमीटर। तो हम गंडाई होकर के चलेंगे, सीधा सीधा चलते हैं ना, कहाँ से होकर जाना है करके। अभी हमको फिलहाल कवर्धा जाना है। हाँ तो कवर्धा का डिस्टेंस कौन सा नजदीक पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा? यहाँ पे किलोमीटर नहीं है क्या, सर्च मारना पड़ेगा ना गाइस। यहाँ से सर्च मारते हैं उसके बाद देखते हैं। किलोमीटर है बट यहाँ से दो रास्ते जाते हैं गाइस। ये हाईवे, नेशनल हाईवे मिलेगा आगे से, और आगे चल के गांव वाला ही रोड आ जाएगा। तो इधर से चलें कि इधर से चलें, ये देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया, हम लोग इस वाले रोड से जाने वाले हैं, क्योंकि दिखा रहा है कि ये नजदीक पड़ेगा। गंडई होकर के, गंडई होके जाएंगे हम लोग। रुक से आएंगे तो गंडई होकर के चलेंगे तो नजदीक पड़ेगा जी। तो आप भी ऐसे आ सकते हैं, जो नजदीक पड़ेगा हम वहीं से जा रहे हैं, तो आपके लिए भी यही अच्छा रहेगा। गूगल मैप में यार शॉर्टकट रास्ते तो दिखाता ही नहीं, दिखाता है और लॉन्ग रूट से ही घुमा फिरा के ले जाता है। गूगल मैप में ना शॉर्टकट बहुत गलत गलत दिखाता है, वो कहीं पे भी घुसवा देता है, एकदम अलग रहते हैं उसके रास्ते। एक मेन रास्ता नहीं दिखाता, उसमें ऐसा फंक्शन है कि वो सारे बहुत तरीके के रास्ते दिखाएगा और उसमें से हमें चूज करना पड़ेगा। तो ये तो हमको भी पता है कि रास्ते तो बहुत दिख रहे हैं, चूज कौन सा करें, अच्छा कौन सा होगा। तो उसको ये बताना चाहिए कि रास्ता ये वाला अच्छा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर ऐसा वो बता नहीं पाती गूगल बिचारी। देखो गाइस, गार्डन, प्ले ग्राउंड गार्डन छोटा है, अच्छा दिख रहा है। वाओ गाइस, यहाँ से डोंगरगढ़, थैरागढ़ और भी रास्ता है 83 किलोमीटर। एक बार बोर्ड पढ़ा लेते हैं आपको, ये देख लो गाइस। गाइस देख सकते हैं, जैसे ही आप धमदा रोड से गंडई रोड में घुसेंगे तो यहाँ से आपको अतरिया, जाल बांधा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव एंड कवर्धा तो हम जा ही रहे हैं। कवर्धा का एरिया आपको दिखाएंगे, कवर्धा देख लीजिए, इधर ही दिखा रहे हैं हमें। 80 किलोमीटर है और टोटल 93 किलोमीटर भोरमदेव था, तो वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर हमको और चलना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं कवर्धा के लिए। और गाइस आपको कभी इधर आना हुआ तो आप यहाँ से राजमार्ग देख सकते हैं, जैसे कि खैरागढ़ है 39 किलोमीटर, डोंगरगढ़ है 83 किलोमीटर और अतरिया है 23 किलोमीटर, जाल बांधा है 24 किलोमीटर,
राजनांदगांव है यहाँ से दोस्तों 115 किलोमीटर। तो गाइस राजनांदगांव का मुझे समझ में नहीं आया ये 115 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है यहाँ से, जबकि डोंगरगढ़ है 83 किलोमीटर। क्योंकि राजनांदगांव डोंगरगढ़ से होते हुए जाएंगे ना हम लोग? नहीं, डोंगरगढ़ राजनांदगांव पहले पड़ता है, बाद में पड़ेगा। ये आउटसाइड रोड है दोस्तों, ये इसलिए यहाँ से उल्टे साइड से जा रहे हैं तो डोंगरगढ़ नजदीक पड़ेगा, और उसके बाद डोंगरगढ़ से रिटर्न जब आएंगे तो हमको राजनांदगांव पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर राजनांदगांव जाते हैं तो घूम फिर के जाना पड़ेगा, इसलिए हमारे दुर्ग से अगर डोंगर राजनांदगांव की ओर जाते हैं तो आपको मुश्किल से 35 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आपको दुर्ग से बढ़िया पड़ेगा रास्ता। चलिए अब हम लोग चलते हैं कवर्धा की तरफ 80 किलोमीटर। गाइस ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे झाड़ू बनाया जा रहा है, गांव में झाड़ू रेडी होते हैं, ऐसे सुखाया जा रहा है, अब इसे छीला जाएगा, फिर छील के इसे झाड़ू के शेप देके बेचा जाएगा। तो रोड तो अभी तक हमें अच्छा ही दिखा है, सही है रोड। गाइस ये रास्ता बेस्ट है, आप भी इसे रूट को चूज करिए। और ये देखिए यहाँ पे खेती है लौकी की, लौकी की खेती कितनी सारी बेचते ही नहीं है, आके हमारे दूध में बेचने थोड़ा हम ले लेंगे। गाइस गाड़ी हमारी 80 की रफ्तार पे दौड़ रही है। गाइस ये देखिए यहाँ पे सोलार पैनल है, और ये गांव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांव में ज्यादातर बिजली नहीं होती है, तो इससे बिजली को उत्पन्न किया जाता है। और व्यू तो देख लो यार, एक बार मजा ही आ जा रहा है यार। गाइस कमेंट में बता देना, तो सोलार पैनल इम्पोर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, करो ना फटाफट से। गाइस गंडई यहाँ से 19 किलोमीटर है, हमें यहाँ मुड़ना नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, अगर आप डलवाना चाहें तो डलवा सकते हैं। पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है, रास्ते में आपको बहुत मिल जाएंगे। अब हमको जाना है सीधा गंडई, जो 19 किलोमीटर है यहाँ से। काना केसरी भी जा सकते हैं आप यहाँ से, इस गांव से गंडई 18 किलोमीटर है। गाइस ये देखिए ये प्रपोडी का बस स्टैंड है, अब चलिए चलते हैं आगे गंडई। गाइस हम लोग पहुंच गए गंडई, अब हम लोग सोच रहे पेट्रोल डला लिया जाए, क्योंकि ये देखो काटा, पहले आपने देखा था ये पूरा सीधा स्टैंड था, अब पूरा खत्म हो चुका है। पेट्रोल डला लिया जाए, थोड़ा पैर को सीधा कर लूं। गाइस बहुत देर से बैठे बैठे थक गया था, मजा आ गया। अब हम लोग पहुंच चुके गंडई और हमें पूरा सीधा आना पड़ा, हमें कहीं नहीं मुड़ना था। तो चलो पेट्रोल भरा लिया हमने, अब गंडई तो हम लोग पहुंच चुके हैं। गाइस ये देखिए गंडई गांव कैसा है, आप देख लीजिए एक बार। मार्केट भी गंडई का बहुत ही बढ़िया है, राजनांदगांव मार्ग, राजनांदगांव। हम लोग राजनांदगांव थोड़ी ना जाने, बता रहा हूँ मैं, ये गंडई का बस स्टैंड। और तो ये गाइस ये गंडई का बस स्टैंड है, देखो इधर ये रहा। हम लोग तो बस स्टैंड दिखाने आए थे, इधर से राजनांदगांव जा सकते हैं आप, हमें जाना है वापस अब पीछे।
चलिए गाइस पीछे चला जाए। ये देखो यहाँ पे बस खड़ी है, ये राजनांदगांव सब जा सकते हैं आप इधर से बस के द्वारा। अगर आप दुर्ग से बस आएंगे तो अब आपको यहाँ वाले इस वाले बस स्टैंड में रोका जाएगा। तो भाई बहुत देर से घूम रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना चाय पानी भी पी लिए, इतना भगाया है पापा भोर बजे पड़ी थी धड़ एकदम। अब चाय पानी पिया जाए, चलिए थोड़ा आराम मिलेगा। ये आ गई हमारी चाय, चलो चाय एंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस देखो गंडई का मार्केट कितना बड़ा है, मस्त है यार यहाँ पे कपड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, मैं भी ले लूँगा अगर मेरे को पसंद आएगा तो। अंदर सब्जी का मार्केट, बाहर पे और भी मटेरियल्स की मार्केट है, साड़ी कपड़ा बढ़िया है यार गंडई। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गंगई माता के मंदिर। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं माँ गंगई मंदिर और चलिए अब आपको यहाँ का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिल जाएगा नारियल चढ़ाना हो तो। तो भाई ये मंदिर कितने बजे खुलेगा? 6 बजे बोल रहे हैं मंदिर खुल जाएगा, तो यहाँ पे दर्शन हो जाएगा उस तरफ जाली से। तो चलिए आपको दिखा दूँ, मंदिर के जस्ट बाजू आपको रास्ता दिख जाएगा। चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते। हाँ यार यहाँ से दिख रहा है, पापा ने जगह भी ढूंढ लिया, माता कहाँ से दिखेंगी वो देख रहे हो गाइस, दिखा अब आपको। जय माँ गंडई। तो गाइस जय माता गंगई। तो गाइस यही है यहाँ का मंदिर, प्रसिद्ध है ये मंदिर, प्राचीन भी है। जय माँ गंडई। तो गाइस जय माता गंगई। तो गाइस यही है यहाँ का मंदिर, प्रसिद्ध है ये मंदिर, प्राचीन भी है। जय माता गंगई। तो गाइस यही है यहाँ का मंदिर, प्रसिद्ध है ये मंदिर, प्राचीन भी है। तो भाई बता कहाँ रहता है, नाम बता दे अपना। तो देख सकते हैं यहीं पे रहने वाले हैं। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ मंदिर से, तो चलिए गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर है घुमाने के लिए गंडई में। ये गंडई का मार्केट है मंदिर के सामने ही, मंदिर गंडई में ज्यादा दूर नहीं है। अब हमें गंडई से निकलना चाहिए वापस दुर्ग की ओर, तो लेकिन सबसे पहले हमें जाना होगा धमदा। धमदा यहाँ से 34 किलोमीटर पड़ेगा। गाइस ये देखो टमाटर का खेत, पापा बोल रहे हैं कि टमाटर खरीद लेते हैं इनसे। टमाटर देना कैसे देवे, अरे ज्यादा नहीं लेना, घर में खाए बड़ चाहिए वो है, तो बाजार में 20 रुपया किलो, अतेक दूर ले जाए का मतलब। 20 रुपए किलो बोल रहे हैं और बाजार में भी रेट 20 रुपए किलो चल रहे, इसलिए नहीं लेते अपन। चलीस मोड़ीस इतना अंदर वापस ला लिए फालतू। अब हमको वापस रोड में जाना है मेन रोड। आते समय हमने आपको साईं बाबा का मंदिर दिखाया था, वहाँ पे हम लोग आपको ले जाने वाले हैं। वहाँ पे हमने आपको साईं बाबा का मंदिर दिखाया था और साईं बाबा के मंदिर में हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 बजे यहाँ पे भंडारा स्टार्ट होगा और मड़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना जाते समय आपको थोड़ा इंजॉय करा दिया जाए और आपको मड़ई घुमा दिया जाए, तो कैसा रहेगा गाइस कमेंट में एक बार ज़रूर से बता देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो हम लोग आपको मड़ई का ब्लॉग बनाने वाले हैं, वीडियो दिखाने वाले हैं। गंडई का वीडियो तो हमारा बन चुका है, अब हम लोग आपको मड़ई का वीडियो दिखाएंगे। तो बहुत लंबे सफ़र को पार करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं धमदा और देख सकते हैं सामने बोर्ड है, यहाँ से बेमेतरा राजा भिलाई दुर्ग यहीं से हम लोग कटे थे, आपको याद है गाइस? 34 किलोमीटर दूर गए। हाँ 34 किलोमीटर अभी दुर्ग बाकी है, हमने टोटल सफर तय किया यहाँ पे 34 किलोमीटर अभी तक हमने सफर किया है। अब हमें
34 किलोमीटर यहाँ से गंडई, धमधा से गंडई, धमधा से गंडई 34 किलोमीटर गए थे, 34 किलोमीटर वापस आए हैं। और दुर्ग से टोटल 70 किलोमीटर हो गया ये, अब यहाँ से फिर 34 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ेगा। तो गाइस 68 70, बहुत लंबा है, 100 करीब पार कर दिया है। गाइस धमधा क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं मड़ई, ये देखिए, और अब शायद मड़ई भर भी गया है, ज्यादा नहीं भरा है, अभी तो लोग आ ही रहे होंगे। चलिए चलते हैं अंदर, और यहाँ भंडारा भी होने वाला है, मजा आ जाएगा। तो गाइस मंदिर के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ भंडारा हो रहा है, भंडारा नहीं अभी प्रसाद बट रहा है। ये देखो गाइस खिचड़ी, चलो इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं, मस्त लग रहा है, भूख लग रही है बहुत। तो गाइस प्रसाद तो एक नंबर था। तो गाइस अभी भीड़ कम है, इसलिए मैं फटाक से आपको एक बार दिखा दूं मड़ई। गाइस ये देखिए पेठा, खजूर, मिक्सचर भी है। गाइस पापा सारे दुकानों को देखते हुए जा रहे हैं। गाइस मड़ई से तो निकल लिए हम लोग, अब हम लोग ने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया होगा कि हम लोग आते समय, हमने सोचा था कि जाते समय हम लोग लेंगे टमाटर। तो ये देखो पापा टमाटर ले रहे हैं, काट रहे हैं। छोटा वाला क्यों नहीं ले रहे? छोटा वाला चटनी बनाने के काम आता है। एक ठोक खा के देखो गाइस, एक ठोक टेस्ट करके देखता हूँ कैसा रहता है, इसको खा लूँ। मस्त लग रहा है गाइस, एकदम बढ़िया, फर्क नहीं है ज्यादा बड़े टमाटर और छोटे टमाटर में, सेम है टेस्ट। तो पहली बार खाया मजा आ गया, फन बजाते हुए जाना है इनको। गाइस पहली बार खाया मजा आ गया यार, बड़े टमाटर जैसा स्वाद है उसका, मस्त है लेकिन एकदम। चलो गाइस टमाटर तो ले लिया, अब आगे देख लेते हैं। कम नहीं लगा दे, 40 लगा दे। पपीता 50 बोल रहे हैं, पपीता नहीं गाजर। अच्छा गाजर 50 रुपए किलो है यहाँ पे, यहाँ पे गाजर 40 रुपए किलो है। तो हम लोग यहाँ की गाजर ले रहे हैं 50-40 रुपए किलो। गाइस ये देखो यहाँ पे मशरूम भी है, वाह, पर ये अलग टाइप का है, जो बाजार में हाइब्रिड वाला मिलता है वो अलग रहते हैं, ये देसी मशरूम है। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं नदी के ऊपर, और अब आने वाला है नदी, शिवनाथ नदी। आते समय भी हमने दिखाया था आपको, क्योंकि इसी रोड से आए थे हम, अब हम जाते समय भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखो गाइस यहाँ का ब्रिज छुटकुसू, आ गई नदी। यार चट्टान ही चट्टान है इस तरफ तो, और नदी एक नंबर दिख रहे हैं। इधर से भी देख लो एक बार, बहुत बढ़िया। आप चलते हैं आगे, गाइस अब दूर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 27 किलोमीटर हमें और जाना है। और रे गाय, जाते समय भी हमने ये नजारा देखा था, आते समय भी देख रहे हैं, इतने सारे गाय बैल, अरे अरे भैंस भी है, वाह फंस गए। ये तो कार वाले इसलिए ज्यादा फंसे, हम लोग बाइक वाले फट से निकल जाएंगे। एक बार ऐसी हम लोग एक और वीडियो के लिए ब्लॉगिंग कर रहे थे, तब हम लोग एक बार और फंस गए थे, तब तो हम लोग कार में थे रन्नू बेबी लोग के साथ। ये देखो गाइस अभी हम लोग इसलिए बच गए क्योंकि इन लोग इस तरफ से आ रहे हैं,
और हम लोग उस तरफ से जा रहे हैं, लेकिन जो अभी इधर जा रहे हैं इनके पीछे पीछे उन लोग का दिक्कत है। अब अपन तो निकल गए, बहुत बढ़िया। गाइस अब यहाँ से दूर सिर्फ 17 किलोमीटर है। अभी अपन पहुंच गए जोरा सिरसा। अब यहाँ से दूर तो ज्यादा दूर नहीं है। पापा को यहाँ पे भी सब्जी दिख गया, बताओ कौन सी सब्जी लेना है भाई। भाटा ले रहे हैं गाइस पापा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी दुर्ग, और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट भी यहीं से किया था। तो थैंक्स वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए इस व्लॉग को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना गाइस। तो गुड बाय गाइस।